शिवपुरी में एक मकान में गैस सप्लाई पाइपलाइन में अचानक आग लग गई। इसके बाद तेज धमाका हो गया। हादसे में घर में मौजूद चार लोग झुलस गए। ब्लास्ट के बाद छत से उछले पत्थर लगने से कुछ और लोग घायल हो गए। हादसा बुधवार रात करीब 7:30 बजे फतेहपुर टॉकिस रोड पर हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस मकान में हादसा हुआ वहाँ पंचायत सचिव राघवेंद्र लोधी का है। उनके घर के नीचे बनी नाली में सबसे पहले आग भड़की, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही अचानक घर के ऊपरी हिस्से में तेज धमाका हो गया। हादसे में राघवेंद्र, उनकी पत्नी रानी लोधी, बेटी काव्यांजलि के अलावा उनके घर में मौजूद उज्ज्वल भार्गव 50-70% झुलस गए। वहीं पड़ोसी जयप्रकाश धाकड़ और रितेश कुशवाहा समेत कुछ लोग पत्थर लगने से घायल हुए। राघवेंद्र और रानी की हालत गंभीर है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल उदल गुर्जर अपनी जान जोखिम में डालकर घर के अंदर घुसे। दो चादरों को पानी में गीला करके आग में झुलसी रानी लोधी और काव्यांजलि को उसमें लपेटा और घर के बाहर लेकर आए। दीपक राठौर। दीपक जी, क्या हुआ था उस वक्त, आप वहीं पे मौजूद थे? हाँ, वहाँ दो पाइप थे, वहाँ नली सामने घर पे, वहाँ पहले दो पाइपों में आग लगी थी, उसके बाद सामने वाले घर में ब्लास्ट हुए हैं। फिर अच्छा, वहाँ कोई काम भी चल रहा है? हाँ, वहाँ काम चल रहा है, किसी पाइप की खुदाई वुदाई चल रही है, फाइबर वगैरह कुछ लाइन की खुदाई चल रही है। नहीं, थिंक गैस का तो ऑलरेडी कनेक्शन था घर पे उसमें। हाँ, पहले बाहर लगी थी, बाहर से फिर अंदर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट हुआ जो सिलेंडर में हुआ है, अबे अंदर अंदर फाइबर में हुआ है ना, वो तो अंदर ही फाइबर। देखिए, ये कंफर्म तो कह पाना अभी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी हम लोगों ने देखा है, जो टीम भीतर गए थे उन्होंने बताया कि शायद एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगी, क्योंकि भीतर तो सिलेंडर इंटैक्ट है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक ये प्रश्न भी था कि रोड के ठीक ऑपोजिट सामने आकर के जो फ्लेम 2-3 फुट ऊंचा रहा, 1-2 मिनट तक आगे रहा, तो उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक टेक्निकल टीम हमारी इसको देखेगी, जिसमें CTDE भी रहेंगे और ADM साहब के अगुवाई में हम इसको करें, से पुलिस के भी, और साथ ही साथ जो थिंक गैस वाले हैं या हमारे जो और जो गैस जो सप्लाई वाले हैं वो भी रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि कोई जियोलॉजिस्ट भी यदि इसका हो, कि चूँकि ये संभावना मीथेन की भी हो सकती है कि उसके कारण हो, या अदरवाइज़ जो थिंक गैस का जो लेइंग डाल रहे हैं उससे संभावना होगी, तो लेकिन ये जांच का विषय है, इसको हम लोग देखें। 5 घायल हुए, एक की हालत थोड़ी नहीं कैजुअलिटी तो नहीं है, एक की हालत थोड़ी सीरियस है, तो उनको रेफर करें। घटना का बोलो पूछो, ये क्या उस वक्त घटनाक्रम हुआ था, आप वहीं पर मौजूद थे? कंट्रोल रूम से पॉइंट मिला था जी, फतेहपुर रोड पर कहीं आग लग गई है, देखो वहाँ मैं पहुँचा था तो रोड पे आग लगी थी, वो आग मोहल्ले वालों की मदद से बुझा दी गई थी, पर अंदर से ये ब्लास्ट हुआ है मकान में जी, की आवाज़ अंदर से आई, जोर की हम नहीं थे, भगदड़ मच गई आग मकान में। तो मकान के अंदर कोई क्या जल गया या कोई हताहत हुआ, कुछ हुआ है? हाँ, घायल है, अस्पताल लेके आ गए। कैसे कैसे निकाला गया जलते हुए मकान में सोनू को? ये दो लोग रोड पे आ गए थे, उनको गाड़ी में बैठा लिया, बाकी लोग एम्बुलेंस से उनको निकाल के लाया, जिन्हें कपड़ा लपे आप ही निकाल के लेके आए। सर, ये आज जो हादसा हुआ है सर, किस प्रकार की सूचना है? ये फतेहपुर रोड में एक आग लगी है, आगजनी घटना हुई है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इसमें 2-3 संभावनाएं हैं, या तो एसी के फटने से हो सकती है, या कोई गैस पाइप में बगल से गई है, उसमें कोई शॉक कारण हुआ आग हो सकती है। इसके कारणों को हम लोग मालूम ज्ञात कर रहे हैं। जो घायल 5 लोग रखता अस्पताल भर्ती कराया गया है, मौके पर फायर ब्रिगेड से आग को बुझाया गया है। पुलिस की और फायर ब्रिगेड की SDRF की टीम भी मौके पर है, और पूरा हम लोग जो है उस पर ध्यान रखे हुए पूरी जांच कर रहे हैं। जो घायल है अस्पताल में भर्ती हैं, उनको जरूरत पड़ने पर उनको जो है बड़े जगह में शिफ्ट करें। अभी चार नहीं एक एक जो 5 जो है एक घायल गंभीर था बताया गया। सर, बताया गया कि पहले जो जिस मकान के में ब्लास्ट हुआ है उससे पहले उसके घर के बाहर पाइपलाइन में जो थिंग गैस की है उसमें आग लगी थी, उसके कुछ देर बाद ही उस मकान में धमाका हुआ। हाँ, ये चीज़ें कुछ कोई बता रहे कि उसमें
जो एसी में विस्फोट हुआ है, कोई बता रहे गैस पैदा, दोनों चीज़ जांच की जाएगी, सामने आएगी।